सेंधवा ग्रामीण थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध हथियार ले जाते तीन लोग गिरफ्तार। तीनों के पास से चार देसी पिस्टल जब्त। तो सेंधवा ग्रामीण थाना पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि तीन लोग सिटी डॉन मोटरसाइकिल से वरला रोड से होते हुए सेंधवा की तरफ आ रहे, जिनके पास अवैध हथियार है। सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी कर उक्त मोटरसाइकिल को रोका। तलाशी लेने पर तीनों के पास से चार देसी पिस्टल जब्त की गई। गिरफ्तार लोगों में अशोक और अजय देवली के निवासी और संतोष निवासी राजनगांव शामिल है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर पता लगाने में जुटी है कि ये लोग हथियार कहां से ला रहे थे, कहां ले जा रहे थे और उनका उद्देश्य क्या था। टीआई विश्वजीत परिहार सेवा ग्रामीण को मुखिर द्वारा सूचना मिली कि बरला रोड से एक सिटी डॉन मोटरसाइकिल से तीन लोग आ रहे हैं, जिनके पास इलीगल वेपन है। इस सूचना पर थाना प्रभारी अपने स्टाफ के साथ काली माता मंदिर के पास बहुत चेकिंग लगाया और उधर से जो मोटरसाइकिल आ रही थी उसको रोक के तीन व्यक्ति मिले, जिनके नाम अशोक, संतोष, अजय है और एक राजनगांव का रहने वाला है और दो देवली के रहने वाले हैं। इनकी जब तलाशी ली गई तो एक के पास दो पिस्टल, संतोष के पास दो पिस्टल और अशोक और अजय के पास एक एक पिस्टल बरामद किया गया। तीनों से लाइसेंस के संबंध में पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इसका कोई लाइसेंस नहीं। तीनों घूमने के उद्देश्य से सेधवा में आना बताया। इनका पुलिस रिमांड लिया जा रहा है और वेपन के संबंध में और इसके कहां से वेपन ये नहीं इन्होंने प्राप्त किया है उस संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। इनके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में बड़वानी जिला और सरहदी जिलों से इसकी जानकारी एकत्रित की जा रही है। सर किससे लाए थे? ये राजपाल है एक उमरटी का, उससे लाना बताते हैं। सर किसी बड़ी घटना इसी बात के लिए पुलिस रिमांड लिया था।